यूक्रेन से घर वापस लौटे हल्द्वानी के छात्र विजय सिंह ने वहां के हालात की जानकारी दी है। विजय सिंह ने बताया है कि इस समय यूक्रेन में हालात बेहद खराब हैं। वहां फंसे भारतीय लोगों को जल्द से जल्द निकालना जरूरी है। सिटी फिलहाल अंडर अटैक है, पूरी तरह खत्म हो चुकी है लगभग। बस इसमें ये है कि सिविलियंस जो पार्ट है वो बचा हुआ है। ये यूक्रेन की कहानी है, हल्द्वानी के विजय चौहान की जुबानी। विजय की घर वापसी तो हो गई, मगर उनके जहन से यूक्रेन का डर अभी तक खत्म नहीं हुआ। दो एयरबेस है पूरे यूक्रेन के पास, एक ओडेसा और एक इवानो फ्रेंकिस। तो दोनों एयरबेस को सबसे पहले ही दिन की लड़ाई में उड़ा दिया गया था, और उसके कुछ घंटों के तहत वहाँ कर्फ्यू लग चुके थे, सायरन बज चुके थे, और करीबन अगर 5:30 बजे के बाद हमें करीबन 12 बजे तक बंकरों में रखा गया। विजय बताते हैं कि यूक्रेन में हालात बद से बदतर। शुक्र मानिए कि विजय घर लौटा और अब तो हर दिन हालात बिगड़ रहे हैं। ईस्ट ऑफ यूक्रेन के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब है। ईस्ट ऑफ यूक्रेन में जो पार्ट आते हैं, कीव जो कैपिटल है वो आती है, खार्किव आती है, सूमी आती है, और ये तीनों सिटी फिलहाल अंडर अटैक्ड है और ये पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है लगभग। बस इसमें ये है कि सिविलियंस जो पार्ट है वो बचा हुआ है। भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए सरकार भी अपने स्तर से पूरी कोशिश कर रही है, मगर यूक्रेन में भारतीयों की संख्या इतनी ज्यादा है कि ये काम आसान नहीं है। ऊपर से यूक्रेन और रूस के सैनिकों के बीच फायरिंग और बमबारी ने मुश्किलें और बढ़ा दी। अगर पूरे यूक्रेन की बात करूं तो मैं करीबन 25,000 से 30,000 बच्चा भी पूरे ऑल ओवर यूक्रेन में अटका हुआ है। पोलैंड बॉर्डर में ऑलरेडी टॉर्चर शुरू हो चुका है, इंडियंस को फौजियों ने मारा हुआ है काफ़ी, और रोमानिया बॉर्डर पे बीते कल रात नहीं परसों रात हवाई फायरिंग की गई है, क्योंकि बच्चा ज़्यादा हो गया था और कंट्रोल में नहीं था। विजय की घर वापसी से अब परिवार के लोग खुश, वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उनका बेटा सही सलामत घर लौट आया। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट।